यूनिक कंप्यूटर एक्सेलेंस, यूनिक कंप्यूटर एक्सेलेंस में आज के इस क्लासेस में आप टैली में जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक सीखने जा रहे हैं, इससे पहले वाले टॉपिक में हमने वैट से रिलेटेड सारे टॉपिक्स डिस्कस किए, सिंगल वैट, मल्टी वैट, वैट एडजस्टमेंट एंड एडिशनल ऑन वैट। बट आज के इस क्लासेस में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि अगर एमआरपी पे वैट सेटिंग करना हो या फिर इंक्लूडिंग वैट सेटिंग करना हो तो वो हम लोग किस तरह से करेंगे। तो वो लेशन को हम लोग देखने के लिए सबसे पहले टैली को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करेंगे टैली को। टैली स्टार्ट करने के बाद एज़ यूज़ुअल पहले एक नया कंपनी हम लोग बना लेते हैं। सपोज़ ये कंपनी बना लेते हैं, कंपनी क्रिएट करने के बाद आफ्टर क्रिएट कंपनी जो हम लोग को सबसे पहला काम करना होता है वो है फीचर्स ऑन करना, जिसके लिए या तो फिर हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे या फिर F11 प्रेस करके हम लोग फीचर्स में आ जाएंगे, क्योंकि हम लोग को टैक्स रिलेटेड काम करना है, इसलिए हम लोग आ जाएंगे टैक्स स्टेट्यूट एंड टैक्सेशन में। स्टेट्यूट एंड टैक्सेशन में आके वैट के दोनों ऑप्शन को यस कर लेंगे जो इससे पहले हम लोग करते थे, और अदरवाइज कंट्रोल ए फॉर एक्सेप्ट, कंट्रोल ए फॉर एक्सेप्ट। आफ्टर फीचर सेटिंग बैक करेंगे और बैक करके अकाउंट इन्फो में आ जाएंगे, लेजर्स में आएंगे। लेजर्स में जाके हम लोग यहाँ पे कुछ लेजर्स क्रिएट कर लेते हैं। सपोज़ हमने बनाया परचेज में सेटिंग कर दिया, और यहाँ पे कुछ करना नहीं है, यहाँ पे कंट्रोल ए फॉर एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर देंगे। उसके बाद एक CR बना लेते हैं, संडी क्रिएटर, डुबैट टॉय डिस्ट्रीब्यूटर बोल के एक बना लिया, इसको संडी क्रिएटर में रखते हैं। यहाँ बिल बाई बिल को यस कर देंगे, और यहाँ पे अदरवाइज जैसे रहता है वैसे रहेगा, कंट्रोल ए फॉर एक्सेप्ट कर लेंगे। और एक और डेटर बना लेते हैं, डेटर में जब सपोज़ यहाँ पे हमने एक डेटर बना लिया, तो इस तरह से लेज़र बनाने के बाद इनपुट और आउटपुट वैट बना लेते हैं। इनपुट वैट ड्यूटीज एंड टैक्सेस वैट, आउटपुट वैट ड्यूटीज एंड टैक्सेस वैट एक्सेप्ट, ठीक है। आफ्टर क्रिएट लेज़र बैक करेंगे, और बैक करने के बाद यहाँ से इन्वेंट्री ऑप्शन में आके जैसे ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप में सपोज हमने बना दिया टॉय, ठीक है। टॉय जो है हम लोग का ये मेन ग्रुप हो गया, यहाँ पे फिर यस करेंगे और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर यहाँ से बैक करने के बाद यहाँ पे यूनिट बना लेते हैं, यूनिट में या तो पीसेस बनाते हैं या नंबर्स कुछ भी बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसका फुल फॉर्म दे देते हैं, देने के बाद यहाँ से बैक करेंगे, बैक करने के बाद स्टॉक आइटम में आ जाएंगे। स्टॉक आइटम में कुछ स्टॉक यहाँ पे हम लोग रेडी कर लेते हैं। सपोज़ एक फर्स्ट स्टॉक हमने रेडी कर लिया, यहाँ पे कार, टॉय कार है ये, टॉय कार हम लोग यहाँ पे अभी पहले भी हम लोग यहाँ पे यस करते थे, बट यस करने के बाद अभी यहाँ पे नोटिस कीजिए सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे दो ही ऑप्शन यहाँ पे हम लोग को शो कर रहा है, टैक्स रेट शो कर रहा है और टैक्स टाइप शो कर रहा है जो इससे पहले भी करता था। लेकिन हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को एक नया चीज़ इसमें ऐड करना है। क्या ऐड करना है, MRP। हम लोग चाहते हैं कि प्राइस कुछ भी हो पर MRP के ऊपर हम लोग को टैक्स लेना है, जो गवर्नमेंट का एक लॉ है उस लॉ के हिसाब से हम लोग को टैक्स लेना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है, अलाउ MRP मार्जिन फॉर स्टॉक आइटम, इस ऑप्शन को यहाँ से हम लोग यस कर लेंगे। उसके बाद कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जब हम लोग जाकर यस करेंगे ना, तो यहाँ पे एक न्यू ऑप्शन हम लोग के सामने दिखेगा। सपोज़ हम लोग परसेंटेज टॉय पे 10% कर दिया, और 10% करने के बाद यहाँ पे जैसे ही हम लोग यस करेंगे ना, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन हम लोग को शो करेगा, ठीक है।
फिलहाल हम लोग ये नीचे वाला ऑप्शन अभी नो ही रहने देते हैं, ये वाला ऑप्शन सिर्फ यस करते हैं। सिर्फ इस एंट्री में हम लोग को एमआरपी पे वैट सेटिंग करना है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एमआरपी पे यस कर लेंगे। करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे, ओपनिंग स्टॉक लेने की ज़रूरत नहीं। बट यहाँ पे एक और ऑप्शन दिख रहा है, सेट ऑल्टर एमआरपी डिटेल्स। जब यहाँ यस करेंगे ना, फिर अगेन यस करेंगे, अब यहाँ हम लोग से मार्जिन रेट पूछेगा। मतलब सपोज़ ये टॉय जो है इसका मार्जिन सपोज़ 1000 है, अब आप जितना में भी बेच रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एमआरपी जो इसका है वो देखिएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारा प्रोडक्ट में एमआरपी लिखा रहता है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या किया, एमआरपी सेट कर दिया 1000। ठीक है, सेट करने के बाद अब ओपनिंग स्टॉक लेने की ज़रूरत नहीं है, कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिलहाल अभी एक ही आइटम रखते हैं, और एक आइटम रखने के बाद यहाँ से बैक करते हैं, और बैक करने के बाद सीधे आ जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर में, क्योंकि एक से ज़्यादा जब आइटम हम लोग बनाएंगे ना तो हौच पौच हो जाएगा। हैं तो हम लोग को नॉर्मली एंट्री किस में करना है, परचेज में करना है, तो परचेज में क्लिक करेंगे। परचेज में क्लिक करने के बाद यहाँ पे PV001 ये फर्स्ट हम लोग का एंट्री है। अब यहाँ पे हम लोग किस पार्टी से परचेज कर रहे हैं, हम लोग का सिंडिकेटर कौन है, नुबैद जो है हम लोग का सिंडिकेटर है, नुबैद टॉय डिस्ट्रीब्यूटर को हम लोग यहाँ पे सिलेक्शन कर लेते हैं। करने के बाद कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे, और नेम ऑफ आइटम जो है वो हम लोग का कार है। जैसे हम लोग कार दिया तो यहाँ पे अगेन हम लोग को मार्जिन शो कर रहा है। अगर आप चाहें तो मार्जिन को चेंज भी कर सकते हैं, जैसे बाद में आपको लगता है आपने सेटअप कर लिया था बट आपको लग रहा है कि मार्जिन हम लोग को कुछ और देना था, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं पर पीस के हिसाब से। पर पीस के हिसाब से 1000, ये माइंड में रहे, पर पीस नॉट टोटल वैल्यू, पर पीस। तो जैसे ही हम लोग एंटर करेंगे, अभी वन पीस ही लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी लेंगे तो थोड़ा खिचड़ी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे वन पीस लेते हैं। और इसका प्राइस हम लोग मार्केट प्राइस जो है वो 800, मतलब मार्केट प्राइस जो है वो हम लोग का 1000 है, पर हम लोग उसको 800 में सेल कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, 800 में लोग परचेस कर रहे हैं। अब इसके ऊपर जैसे ही इनपुट वैट हम लोग लगाएंगे ना, तो ये देखिए 1000 दिखा रहा है। क्यों, उस हिसाब से अगर इसका 10% देखा जाए तो 80 रुपीज़ होना चाहिए, लेकिन यहाँ 1000 का एमआरपी जो है, हम लोग जब यहाँ पे टैक्स एनालाइज करेंगे ना और डिटेल्स में जाके चेक करेंगे, तो अब हम लोग को यहाँ से अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये जो टैक्स रेट है 10%, ये किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, 1000, मतलब एसेसेबल वैल्यू हम लोग का क्या है, 1000 है, 800 से कोई मतलब नहीं है, हम लोग जो एमआरपी सेटअप किया है। तो अभी यहाँ पे जब हम लोग देख रहे हैं तो ये क्लियर हो गया कि हम लोग का एमआरपी के ऊपर निकल के चला आया। ठीक है ना, ये हुआ सिंपल तरीके से एक हम लोग यहाँ पे एक एंट्री हम लोग किया जिसमें एमआरपी पे निकाला। अगर हम लोग नॉर्मली सपोज यहीं पे डायरेक्टली हम लोग दूसरा एक बनाते हैं PV002 समझने के लिए, जस्ट फॉर द एग्जाम्पल, यहाँ पे पार्टी नेम हम लोग सेम कर देते हैं, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं। अभी यहाँ पे ऑल्ट सी करके नेक्स्ट हम लोग बना लेते हैं, सपोज बास्केटबॉल हम लोग बना लिया, ये टॉय है हम लोग का। यहाँ पे हम लोग जस्ट यस करते हैं, और यहाँ पे इसके ऊपर भी 10% करते हैं, पर यहाँ पे एमआरपी का कोई यूज़ हम लोग नहीं करते हैं, नो कर देते हैं। नो करने के बाद जब हम लोग यहाँ पे इसमें कुछ छेड़छाड़ कुछ टच नहीं करेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी यहाँ वन पीस सपोज इसका भी प्राइस हम लोग 800 ही रखते हैं, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे इनपुट वैट सेट करेंगे ना तो 80 रुपीज़ दिखा देगा। तो यहाँ पे ये बात क्लियर हो गया कि एमआरपी पे अगर हम लोग सेटिंग करेंगे तो एमआरपी का जो भी जिस प्रोडक्ट का जो एमआरपी हम लोग सेट कर रहे हैं उस एमआरपी के ऊपर निकलेगा, ये प्राइस आप कुछ भी दें कोई मतलब नहीं है, पर एमआरपी पे निकलेगा, लेकिन ये नॉर्मल कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। और थर्ड परचेज जो हम लोग करेंगे जिसमें हम लोग क्या सीखेंगे, जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि सपोज़ हम लोग का जो वैट है सपोज़ प्राइस जो है वो 1000 है, ठीक है, वैट के साथ। बहुत बार आप कहीं पे जब जाते हैं प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए तो वहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, आपसे दो तरह का क्वेश्चन आप पूछते हैं, ये जो प्रोडक्ट है इसका प्राइस कितना है, ठीक है। तो दुकानदार जो है, ये शॉपकीपर जो है, वो आपको क्या बताता है, 10000 प्लस 10% GST, ठीक है,
और एक होता है 10,000 ऑल, मतलब 10,000 पूरा पूरा टैक्स के साथ है। अब सब माइंड में ये क्वेश्चन जब क्लिक करेगा आपका कि 10,000 ऑल है तो इसमें टैक्स कितना लगाया जा रहा है, तो वो टैक्स को कैसे बाहर निकालिएगा, उसके लिए भी एक कैलकुलेशन होता है। तो वो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एंट्री में। तो ये एंट्री में हम लोग क्या करेंगे, ये एंट्री में हम लोग एक नया कुछ ऑप्शन ऐड ऑन कर देंगे, फिर एक नया एक आइटम बना लेते हैं। नेक्स्ट आइटम हम लोग बना लेते हैं नॉर्मली, सपोज यहाँ पे बना लेते हैं नेक्स्ट आइटम हम लोग का डॉल। डॉल बना दिया, डॉल जो ये भी टॉय है। यहाँ पे जाके जब यस करेंगे, यहाँ पे 10% ही करते हैं, यहाँ फिर यस करेंगे और ये ऑप्शन को भी यस करना होगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है MRP इंक्लूडिंग ऑफ वैट। जैसे ही आप इसको यस करेंगे, यस करते ही यहाँ पे फिर ऑप्शन आएगा, यहाँ पे भी यस करना होगा क्योंकि यहाँ तो मिन सेटअप करना है। तो इसका भी प्राइस हम लोग 1,000 ही रख देते हैं, ठीक है। सपोज ये डॉल का प्राइस 1,000 है। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट किया, फिर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिया, यहाँ पे रियल प्राइस जो है, नॉर्मल प्राइस जो हम लोग जो उसको उससे ले रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, वो 600 में हम लोग परचेस कर रहे हैं। और यहाँ पे जैसे ही हम लोग इनपुट वैट लेंगे तो यहाँ 90 रुपीज़ 0.90 पैसे, बात कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर 1,000 के ऊपर वैट लिया जा रहा है, 10% होगा तो 100 होना चाहिए, फिर ये 90 रुपीज़ 0.90 पैसे का क्या मतलब है। इसका मतलब है जब टैक्स एनालाइज जब जाके करेंगे तो हम लोग का एसेसेबल वैल्यू दिखा रहा है 909 रुपया 9 पैसा, मतलब जो ओवरऑल जो डॉल का प्राइस हम लोग MRP जो दिया था वो 1,000 दिया था, लेकिन उसका मेन एक्चुअल प्राइस क्या है, वो 9,900.99 पैसे, मतलब उसके ऊपर जो है ये टैक्स अप्लाई होके जुड़कर 1,000 बन रहा है। तो ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसको समझना भी ज़रूरी है। इसको समझने का बिल्कुल आसान तरीका आप लोग को समझा दें कि आप सीधे एक्सेल में आ जाइए, इससे बेहतर बेटर ऑप्शन कुछ नहीं होता है। एक्सेल में आइए, एक्सेल में ज़्यादा क्लियर आपको बेहतर समझ में आएगा। एक्सेल को ओपन कर लेते हैं, अभी हम लोग का जो प्राइस है, टोटल प्राइस, टोटल वैल्यू क्या है हम लोग का, टोटल प्राइस, टोटल अमाउंट बोल सकते हैं या टोटल अमाउंट भी बोल सकते हैं। टोटल अमाउंट के ऊपर हम लोग का जो रेट है वो हम लोग का कितना है, जैसे सपोज टोटल अमाउंट हम लोग का 1,000 है, सपोज उस पर रेट हम लोग का कितना है, 10% है, सिर्फ 10 दीजिएगा यहाँ पर। और अब यहाँ पे जब आपको कैलकुलेट करना होगा तो कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, इक्वल्स टू जो टोटल अमाउंट है उसको डिवाइड कीजिएगा, ब्रैकेट ओपन देकर, उसको डिवाइड कीजिएगा ब्रैकेट ओपन देके 100 100, क्या होता है ये टैक्स का एक परसेंटेज, जो परसेंटेज होता है उसका एक वैल्यू, ये हम लोग मैथ्स में पढ़े थे कि जो परसेंटेज होता है उसको 100, उसका वैल्यू 100 होता है, उसके साथ प्लस करेंगे किसको, जो इसका रेट है, मतलब टैक्स जो रेट है, टैक्स रेट को, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे फिर से टैक्स रेट को। बात को समझिएगा, जो टोटल वैल्यू है, टोटल अमाउंट है, उससे डिवाइड कर रहे हैं 100 प्लस टैक्स रेट एंड इनटू जो टैक्स रेट है। जैसे ही आप एंटर करेंगे ना, यहाँ पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा डिक्रीज कर दीजिए, अब आ जाइए इसको स्मॉल करके देखिए, 90.91, 90.91। तो यहाँ पे इस तरह से कोई भी वैल्यू रहेगा, कोई भी वैल्यू हो, चाहे वो 5,000 हो, 10,000 हो, कुछ भी हो, उसका जो भी आपको प्राइस यहाँ पे मेंशन करना है या कुछ निकालना है, जस्ट यहाँ पे इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि उसका प्राइस जो है कितना। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे जो वैल्यू दिखा रहा है वो निकालना है, इक्वल्स टू इससे हम लोग इसको माइनस कर देंगे। ये देखिए, जब ट्रैक कीजिएगा देखिए आपको एक एक्चुअल अमाउंट मालूम हो जाएगा, है ना, 909 रुपया 9 पैसा। तो इस तरह से हम लोग फिर जब इसका प्रिंट आउट लेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करके पेज अप करेंगे, ऑल्ट पी, यस, ऑल्ट जेड। ये देखिए यहाँ पे आपको ये वैसे ही दिखा रहा है नॉर्मली नॉर्मल तरीके से। और जब इसका रिपोर्टिंग चेक करिएगा ना, इसका रिपोर्ट के लिए जब आप आते हैं यहाँ पे डिस्प्ले में, या डिस्प्ले में आके स्टेटरी रिपोर्ट, वैट रिपोर्ट फॉर्म 14 में, तो ये देखिए
ओवरऑल पूरा ये सब का दिखा रहा है, कंप्लीट दिखा रहा है। अगर सिंगल सिंगल देखेंगे तो आपको सिंगल सिंगल भी दिखा देगा वहाँ पे। आप एंट्री को, एक एंट्री को डिलीट कर दीजिए, सिंगल एंट्री भी देख सकते हैं। तो इस तरह से ये परचेस का हुआ। उस अगर आप सेल पे करना चाहते हैं तो आप सेल पे भी कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पे सेल में आ जाइए, यहाँ पे SB एक दिखा दे रहे हैं एग्जाम्पल 001। यहाँ पे अब अरहम से हम लोग सेल कर रहे हैं, अरहम से जो हम लोग सेल कर रहे हैं, ऑल्ट सी करके यहाँ पे सेल्स अकाउंट बना लेते हैं। सेल्स अकाउंट बना हुआ नहीं है। यहाँ पे अरहम से क्या सेल कर रहे हैं, अरहम से हम लोग सपोज कार सेल कर रहे हैं। कार का MRP सेट किया हुआ है 1000। अब MRP सेट किया हुआ है लेकिन आप इसको तो परचेज 800 में किए थे, अब आप इसको 900 में सेल कर रहे हैं। सॉरी, ये तो क्वांटिटी है। यहाँ पे 900 दे दिए। और अब यहाँ पे फिर जब आप सेट कीजिएगा आउटपुट VAT, आई थिंक आउटपुट VAT बना हुआ नहीं है, ऑल्ट सी करके यहाँ पे आउटपुट VAT बना लीजिए। इसको ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में रखिए, यहाँ से VAT ले लीजिए, कंट्रोल से एक्सेप्ट कीजिए। ये देखिए MRP पे ही आपका निकल के आ गया, ठीक है। कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। और उसी तरह से आसान हो रही है अभी सेल एंट्री पे, उसी तरह से हम लोग आराम से एक और सेल कर लेते हैं। यहाँ पे नेम ऑफ आइटम दूसरा कुछ दे दे, बास्केटबॉल दे दिया 1 पीस। इसका प्राइस भी हम लोग यहाँ पे 900 दे देते हैं। देने के बाद जब यहाँ पे आउटपुट VAT लेंगे तो आउटपुट VAT हम लोग का, ठीक है, क्योंकि बास्केटबॉल पे हम लोग नॉर्मली रखे थे, है ना। और थर्ड टाइम जब हम लोग सेल कर रहे हैं SB003 आराम से सेल कर रहे हैं, यहाँ पे थर्ड टाइम क्या सेल कर रहे हैं, डॉल। अब डॉल पे जो सेल कर रहे हैं 1000, उसका MRP है 1 पीस। इसका प्राइस हम लोग सपोज रखते हैं 950। अब यहाँ पे जब आउटपुट VAT लेंगे तो यहाँ पे भी उसी तरह से उसका इंक्लूडिंग वाला ऑप्शन आ जा रहा है। तो अगर कैलकुलेट करना है तो आप इजी आराम से कर सकते हैं आप लोग, कोई बड़ा बात नहीं है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी एंट्री का MRP पे VAT और साथ ही साथ उसका इंक्लूडिंग VAT, ये दोनों चीज़ हम लोग इस तरह से मालूम कर सकते हैं। ये था हम लोग के आज के टॉपिक में। डैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।